काफी ज्यादा। हर साल ये मेला होता है की एनिवर्सरी है। अच्छा वेब सीरीज बना रहे हो? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग हैं कार में, क्योंकि मैं आज आपको लेके जा रही हूँ कांडा महोत्सव, जो बागेश्वर मेन सिटी से 20 या 22 किलोमीटर अप्रोक्स दूरी पर है। तो वहाँ चलते हैं और आपको आज बहुत मजा आने वाला है, तो ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो प्यारे दर्शकों, हमने ना गाड़ी रास्ते में रोकी है और बाल अभी सूखे नहीं है, तो बाल खुले भी छोड़ रखे हैं। तो यहाँ से ना हिमालय इतना प्यारा दिखता है ना, आपको व्यू दिखाते हैं बढ़िया सा। अब हम पहुंच गए हैं कांडा और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो ये आगे को जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ और बेरनाग को जाता है। और अब हम टर्न करेंगे यहाँ, क्योंकि हमें जाना है कांडा पड़ाव। तो देखिए रोडों के साइड में ना छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं और अब हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। ये देखो यहाँ भी खूब झूले लगे हुए हैं इस साइड भी। अब हम उतर चुके हैं कांडा पड़ाव पे और यहाँ इतनी भीड़ हो रही है ना, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और बच्चों के ना टॉयज भी लगे हुए हैं, आई मीन खेलने के, जैसे मिकी माउस हो गया, ट्रैम्पोलिन। आप लोग को दिखाते हैं। तो देखो यहाँ है ट्रैम्पोलिन और नविया कह रही है भी नविया यहाँ देखो तो गाइस देखिए नविया की ऊन की फ्रॉक कैसी लग रही, बता रहे इसकी नानी ने बनाई है। तो ये देखिए ये है मिक्की माउस और आदि इसमें चला गया है। देखो इधर ना कॉस्मेटिक की कुछ दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए ये रहे भैया, और देखिए इस साइड ना मुझे दिख रहे हैं सैंडल और शूज। अभी जी ना गए हैं कार पार्क करने के लिए और रोड में तो यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, और नीचे भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे भी ना ये रामलीला ग्राउंड है, मतलब कांडा पड़ाव का। यहाँ पे देखो सब लगे हुए हैं, थोड़ी देर में यहाँ नीचे भी ले जाऊंगी आप लोग। अब ना मैं घर के लिए स्लीपर ले ले रही हूँ। कितने का बोल रहे हो ये? 100 रुपए का। हाँ दे दो। तो रोड से ना नीचे जाने का रास्ता देखिए कुछ ऐसा है। तो ये ग्राउंड में लगे हुए मेलों को देख के ना उत्तरायणी मेले की याद आ रही। देखिए भीड़ इतनी हो रही ना यहाँ, अभी हमें चले ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, फंस जा रहे बीच में हम लोग। तो ग्राउंड के बीच में ना वहाँ देखो, वहाँ स्टेज लगा हुआ है और वहाँ हो रहे हैं कल्चरल प्रोग्राम्स। और इस साइड देखो क्राउड कितना हो रहा है, क्योंकि देखने वाले बैठे हुए हैं और कुछ खड़े होके भी प्रोग्राम देख रहे हैं। तो मुझे ना यहाँ पे एक भैया मिले, और क्या करते हो आप? कॉलेज पढ़ रहे हो? अच्छा चैनल का नाम बताओ फिर। डोमेशन वाले धन्यवाद करता हूँ। अच्छा वेब सीरीज बना रहे हो? तो यहाँ ना पर्स भी आए, देखो साइड पर्स, हैंड बैग और नीचे क्लचेस भी है। तो हमारी टाइमिंग इतनी पक्की है ना, ये देखो अभी जी भी हमें मिल गए। ये ऊपर गाड़ी पार करने गए थे तब हम नीचे आ गए। देखो मेले में ना भैया लोग की चाउमीन ही बन रही। भैया कैसे दे रहे हो चाउमीन? 30 की हाफ। 30 की हाफ दे रहे हो? ये देखिए। और ये मोमोज? मोमो भी 30 की। अच्छा तो यहाँ ना देखो चरखा भी है। तो ये देखिए ये है चरखा, और मैं भी ना चरखे बैठती हूँ, बचपन के दिन याद करते हैं। नहीं बैठे अब तक? अच्छा देखो नहीं बैठाएंगे चरखे में? बैठाएंगे ना। मोटी होगी ना मैं ज्यादा? नहीं बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा बहुत चले जाओ, बड़े वाले में चले जाओ। हेलो भैया, क्या लगता है मुझे चरखे में बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे? पक्का? फ्री में तो नहीं बैठाएंगे। तक अभी 20 रुपए का टिकट है, मैं ही बैठ रही हूँ, मुझे बिठाने हो ना? बिल्कुल। गाइस देखो इतने बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ मैं भी बैठ रही हूँ। बैठ गए हम लोग चरखे में और मेरे साथ है दो छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, ये देखो मुझे कंपनी देने के लिए। तो मेरे ना अब साथी चेंज हो गए, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना, बैलेंस नहीं पा रहा था, तो एक और बड़े आ गए मेरे साथ, बहनी मतलब बहनी। तो गाइस आई एम द ओनली लेडी एंड रेस्ट ऑफ द किड्स। बिल्कुल हाइट पे पहुंच चुके टॉप में, लेकिन भैया लोग हाथ से चला रहे तो उतनी डर नहीं लग रही। मतलब फास्ट हो गया, इनको कुछ नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मेरी टमी में कुछ नहीं। बहुत एंजॉय किया। कैसा लगा?
बच्चों का झूला है जिसमें बैठी हूँ। तो गाइस कांडा महोत्सव ना फ्राइडे से स्टार्ट हो गया था और आज है संडे, तो आज समापन भी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये कांडा महोत्सव है ना, इसमें जो कल्चर हेरिटेज है उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोने के लिए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी हो, इसलिए ना हर साल ये मेला होता है। तो इसलिए हम भी यहाँ आए हैं और एंजॉय करते हैं। तो आज ना कांडा महोत्सव का समापन भी है और यहाँ ना दो तीन दिन खूब मतलब स्टार नाइट हुई थी, खूब कल्चरल प्रोग्राम्स हुए थे, सबने बहुत एंजॉय किए। और जो मतलब यहीं के लोकल व्यापारी है उन्होंने ना दुकानें भी लगा रखी है ताकि उनकी भी अर्निंग हो। जब मैं झूले में बैठी थी ना, मीन माइल यहाँ देखिए नविया ना मिक्की माउस में गई है, एंजॉय कर रही है, बट ये ऊपर नहीं जा रही क्योंकि इसको लग रहा है डर। और आदि भी वहीं पे है, देखिए आदि के फुल मजे हो रहे थे, कभी ट्रैम्पोलिन में कभी मिक्की माउस में। बस कई सब मेले से ना बाहर आ गए, बहुत ज्यादा क्राउड हो रहा था उधर और एंजॉय भी कर लिया है। अब चलते हैं, देखो कहीं कुछ खा पी लेते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर आ गए हैं और यहाँ ना कुछ खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए हमारा चावल आ चुका है, चावल दाल, और आदि यहाँ ले रहा है मैगी के मजे, चाउमीन, हाँ नविया चावल भी खाने लग गई है। यहाँ है रोटी, नबी अभी सो के उठ रही। तो गाइस हम लोग ना बागेश्वर पहुंच गए हैं और अब जाते हैं घर, और घर पे मिलेंगे है ना नबियो, मेरा कुंचू। हम तीनों जा रहे हैं वॉक पे, ये है तन्नु, इसको तो आप जानते हो, और ये है ममता, आज ब्लॉग में नहीं दिख रहे आपको, आराम से आ। तो आज ना तन्नु की एनिवर्सरी है, क्यों तन्नु कितने साल हो गए कामयाबी के? 5 साल हो गए। और ममता यहाँ रास्ता है, अच्छा यहाँ से जा रहे हैं। अब ममता तू बता तेरे कितने? हम आगे बकबक करते जा रहे हैं, तन्नू पीछे छूट गई है। तो प्यारे दर्शकों हम ना देखिए, ये है बागनाथ वाली पुल, यहाँ से होते हुए जा रहे हैं वॉक पे। नीतू भाभी को प्रणाम, क्या करा रहे, पार्टी करा रहे हो आज? तो ये है बागनाथ मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हेलो बच्चों, किसने कहा वीवो ब्लॉग, कैसे हो, कौन से क्लास के हो? 8th के, और कौन से स्कूल के हो? आनंद एकेडमी। वेरी गुड, अरे मेरा बेटा भी है इसमें। तो अब हम आ गए हैं चौक बाजार में और यहाँ शनि भगवान का देखो कितना प्यारा मंदिर है, लोटे शेप में बनाया है, ऊपर देखो पत्ते लीफ, और यहाँ गोविंद वल्लभ पंत जी की स्टैचू है। अब हम ना गोमती पुल वाली रोड में आ चुके हैं, यहाँ देखिए दो पुल दिख रहे हैं और यहाँ ना एक नया स्टैचू बने हैं स्वामी विवेकानंद जी के, आप लोग को दिखाते हैं। दगड़ू ना मेरे छोड़ के भाग गए मुझे। टी वाली रोड ना मैंने बहुत कम दिखाई व्लॉग में, क्योंकि ये तहसील वाली रोड है बागेश्वर की। तो अब हम ना स्मार्ट पॉइंट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से ना घर का कुछ सामान ले लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, कुछ लेंगे तो आप लोग को भी बताएंगे, ठीक है? तुमने क्या लिया? सिजवान चटनी। हाँ। तुम खाते हो, बच्चे खाते हैं? मैं तो नहीं खाती हूं, बट बड़ी लड़की खाती है, छोटा नहीं खाता। आजकल के बच्चों के शौक हुए यार, सिजवान चटनी, मेयोनीज, और क्या क्या है वो, हर्षी स्प्रेड। हमारे टाइम में तो कुछ था ही नहीं ऐसा, हमारे टाइम में क्या था, मटवे की रोटी, गुड़ बस गुड़ के साथ ले गया काफी रोटी, फिर नहीं हुआ तो फिर अचार ले गए बाद में। तो अच्छा अच्छा, तो यही सामान हमने ले चुका है, अब चलते सीधे काउंटर पे। तो हम ना स्मार्ट पॉइंट से बाहर निकल गए हैं, दिस इज अवर थैला, और इसमें ना हमारा सामान है। अब हो गई है रात और खाना पीना सब हमारा हो गया है, तो आप जरूर बताएगा कि आपको हमारे आज का मेले का ब्लॉग और जो बीच में जो ब्लॉग दिखाया था वो कल का था, कैसा लगा? ब्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।